केरला स्टोरी रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है। 26 अप्रैल को फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोगों ने फिल्म में सच्चाई दिखाने पर मेकर्स का सपोर्ट किया, तो कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा के तहत बनी फिल्म बताया। अगर आपने अब तक ट्रेलर नहीं देखा है तो आपको बता दें कि फिल्म किस बारे में है। ट्रेलर से समझ आ रहा है कि फिल्म केरल में धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। द केरला स्टोरी दक्षिणी राज्य में कथित रूप से लापता हुई महिलाओं के पीछे की घटनाओं का खुलासा करती है। फिल्म की कहानी के अनुसार कथित तौर पर इन लापता महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण किया गया और उन्हें इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनाकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में भेजा गया। जाहिर है फिल्म धर्म और धर्मांतरण से जुड़ी है, तो मामला गरमाना तय था। आम लोग तक ही नहीं, फिल्म को लेकर जारी विवाद अब सियासी गलियारों तक जा पहुंचा है। विपक्षी पार्टियों ने फिल्म का विरोध किया और इसे संघ परिवार का प्रोपेगेंडा बताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी फिल्म की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म केरल को बदनाम करने और राज्य को सांप्रदायिक रूप से बांटने के लिए बनाई गई है। उन्होंने लिखा कि फिल्म के ट्रेलर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने संघ परिवार के प्रोपेगेंडा को अपनाया है, जो केरल जैसी धर्मनिरपेक्ष भूमि को आतंकवादियों के गढ़ के रूप में स्थापित करता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया कि केरल में धार्मिक आतंकवाद के मजबूत होते दावों को राज्य के खिलाफ नफरत भरा दुष्प्रचार कैसे कहा जा सकता है। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने अभिव्यक्ति की आजादी पर केरल के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ CPIM के रुख को डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मानदंड वाला बताया। वहीं बीजेपी के बयान के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि ये आपके केरल की कहानी हो सकती है, लेकिन ये हमारे केरल की कहानी नहीं है। और इस बीच केरल की मुस्लिम यूथ लीग ने फिल्म में दिखाई गई कहानी को सच साबित करने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग ने कहा है कि जो भी ये बात साबित करता है कि फिल्म की कहानी सच्ची है, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ द केरल स्टोरी के समर्थन में उतरे लोगों ने दूसरा ऑफर रखा। हिंदू सेवा केंद्र के संस्थापक प्रतीश विश्वनाथ ने कहा कि आप सिद्ध करिए कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो वास्तविकता नहीं है, तो वो 10 करोड़ रुपए देंगे। उधर आगरा योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने एक वीडियो जारी कर दिया और उन्होंने केरल स्टोरी फिल्म का समर्थन किया और हिंदुओं से परिवार सहित फिल्म को देखने की अपील की। देखिए, कल 27 अप्रैल को द केरला स्टोरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे काफी मात्रा में लोगों ने देखा है। योगी यूथ ब्रिगेड अपील करती है प्रत्येक हिंदू से, प्रत्येक हिंदू परिवार को इस फिल्म को देखना चाहिए। 5 मई को ये फिल्म रिलीज होने के लिए जा रही है। आज देश भर के सभी सिनेमा हॉल संचालकों से अपील है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को प्रसारित करें और आगरा में सभी सिनेमा हॉल संचालक इस मूवी को लगाएं और आगरा के जितने भी सिनेमा हॉल हैं, वहाँ जो भी हमारे योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे, जो भी इस फिल्म को देखने के लिए जाएगा, उनका चंदन तिलक लगाकर, भगवा उड़ाकर हम उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताए जाने का विरोध किया और कहा कि हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं, हम सब ये कह रहे हैं कि हमें उन लड़कियों और युवाओं के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने ये सब झेला है। सेंसर बोर्ड ने द केरल स्टोरी फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म के 10 विवादित